मुझे फंसा कर तुम्हें बदनाम करने की साजिश की गई थी। सकलेन भाई ने धोखा दिया है, उनकी प्लानिंग थी कि हम दोनों घर से भाग जाएं। तुम याद है ना वो खत मैंने तुम्हें नहीं लिखा था। तुम्हें बदनाम करके सारा का सारा इल्जाम उन्होंने मुझ पर डाल दिया। उन तीनों बहनों ने मिलकर आपके साथ इतना कुछ किया, आपको घर से निकाला है जबकि वो आपका अपना घर था। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। आपको चाहिए था आप उसको अपने घर से धक्के देके बाहर निकालते। अभी के अभी इसको अपनी जिंदगी से आजाद करो। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तुम आखिर सुन क्यों नहीं रहे मेरी? आई सिर्फ एक बार मेरी बात सुनी। ठीक है, मैं एक बार अमशा से मिलना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार। मैं फराज तुम ही से समझाओ कि ये नहीं मिल सकता उससे। भाभी देखिए, मैं कुछ समय हाथ जोड़ता हूँ, मुझे सिर्फ एक बार अमशा से मिलना था। मैं देखना चाहता हूँ कि वो ठीक है या नहीं। प्लीज नहीं मिल सकते तुम रमशा से, इद्दत में है वो। मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे मुझे तुम्हारी बदहाल थी तो बहुत तक बदनाम किया तुम्हें हर जगह। कभी नफरत तो नहीं करती। मैं तुमसे नफरत का रिश्ता भी नहीं रखना चाहता।
हेलो, इस घर के कागजात तुम्हारे पास है? जी सर, वो फाइल मेरे पास है। जितनी जल्दी हो सके उसे लेकर मेरे ऑफिस आओ। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। अब देखता हूँ मेरी मैं तो मुझे उस घर से कैसे निकालती हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मगर बेटा, तुम दोनों पूरी रात के जागे हुए हो, आराम कर लेते। हाँ, बस आराम बहुत कर लिया। हम ऑफिस जाएंगे, काम जरूरी है। रास्ते में अरीब आप ही और हमसे से भी मिलते हो जाए। अच्छा ठीक है, क्या कहूँ मैं इस वक्त, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इतना जानती हूँ कि तुम बहुत हिम्मत वाली हो, इस वक्त अपनी बहनों को संभाल लोगी। बाकी तो हमारा मुकद्दर होता है, अच्छा या बुरा। तो परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। अगर आप और फराज इस बुरे वक्त में मेरा साथ ना देते तो मैं हौसला खो देती। अल्लाह सब बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। थैंक यू आंटी। हाँ जाओ बेटा, और अपनी बहनों को भी मेरी तरफ से प्यार देना। अल्लाह की अमान, खैर से जाओ। सिर्फ
कुछ खाया नहीं चलेगा। तुमने कल से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा खा लो। नहीं खाया जाएगा। ऐसे मत कहो। मैं पहले बहुत शर्मिंदा हूं। अभी अम्मी अम्मी क्यों हुई मुझे अकेला छोड़ के चली गई हैं? क्या उनको नहीं पता था कि जाने के बाद मैं कितनी अकेली हो जाऊंगी? तुम अकेली तो नहीं हो, मैं मानूर हम सब तुम्हारे साथ हैं। चलो उठो, देख लो यहां से। सकलैन मेरे आगे मत बोलिया, एक नाम नहीं बोलना मेरे आगे। और तो निकलो, अभी अभी निकलो यहां से, इसी बार। चलो सकलैन भाई, चलो सकलैन भाई, निकलो अभी के बाद। तमाम बर्बाद कर दिया इसने और मानूर ने, उस मानूर को तो मैं देख लूं। और तुम आओ अभी निकल यहां से। आप होते कौन है नमशा को इस घर से निकालने वाले? माने को मैं इस घर का, और तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत सिर्फ इसलिए दी है क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। मेरी इजाजत के बगैर कोई और नहीं रह सकता, निकलो यहां से। कैसे बकवास कर रहे हो? ये घर आपका कैसे हो सकता है? ये घर मेरी अम्मी का, हम तीनों बहनों का है, हमारी मलकियत है ये घर। मेरे अलावा और किसी की मलकियत नहीं है ये घर। और अगर यकीन नहीं आ रहा तो ये कागजात देखो, देखो उसको, हाला नहीं है, घर मेरे नाम रखा था। ये कैसे हो सकता? आंटी अपनी औलाद का इनसे पूछे बगैर तुम्हारे नाम कर दे? जरूर तुमने जबरदस्ती उनके दस्तखत लिए होंगे। वरना अम्मी इतना बड़ा फैसला मुझे बताए बगैर नहीं करती। इसी ने अम्मी को मारने की कोशिश की ना, आपने उनकी दवा में जहर मिलाकर। तुम इल्जाम ही लगा सकती हो ना, सबूत तो कुछ नहीं है ना तुम्हारे पास। इसके अपना ड्रामा बंद करो, दफा हो जाओ यहाँ से और अपनी इस बहन को भी ले जाओ। मेरे बीच हो, मेरे आगे बोलने की कोशिश मत करना, अपनी लिमिट पर रहो वरना। क्या क्या बोलेंगे आप? क्या अरे बाप।
तुरंत उन सबके साथ अरीबा को भी धक्के मारकर वहां से निकाल देना चाहिए। अगर इस वक्त हाथ कटे हैं, मैं अपनी औलाद को खोना नहीं चाहता। अगर सिर्फ चंद महीने ही तो रह गए, बताऊंगा उसे अच्छे तरीके से कि संकलन नाम है मेरा। इन पागल औरतों की हालत देखो, घर का गेट खुला छोड़कर ताकि चोर आए और मालिक अनिम समझ कर लूट कर सब कुछ ले जाए। खैर, इनके बाप का क्या चाहता है? पैसा तो मेरा रखा है ना। कौन है आप लोग? अंदर कैसे आए आप लोग? पारिया? अरे भाई, सांस तो ले लें, कम से कम हमें मौका तो दो बात करने का। हम इस घर के मालिक ही, कोई चोर नहीं है। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? इस घर का मालिक मैं हूं, आप कैसे हो सकते हैं? एक मिनट, तमीजी करने की जरूरत नहीं, आराम से बात करें मुझसे। मैंने ये घर 2 दिन पहले खरीदा है उन औरतों से जो यहाँ रहती थी। ये देखें, उस घर के कागजात और रिसीट ट्रांसफर सब मेरे नाम पर है। ऐसे कैसे हो सकता है? फारिया ने मुझे धोखा देके एक घर बेच दी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर चैलेंज करना चाहते हो तो चलो मेरे साथ रिश्तेदार के पास, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे भाई, मेरा बहुत कीमती सामान अंदर पड़ा हुआ है, आप क्या बात कर रहे हैं? अंदर तो कोई भी नहीं है, घर खाली है, सब सामान वो अपने साथ ले गई है। आप चाहे तो देख ले जाके। ठीक है, रमीज, इसमें सारा कैश और ज्वेलरी है, तुम इसको प्लीज ख्याल से रखना अपने पास। तुम फिक्र नहीं करो फरिया, मैं तुम्हारी अमानत समझ के इसकी हिफाजत करूँगा। रमीज, बात यह है कि ये सब कुछ मैंने हमारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए किया है, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि आने वाले वक्त में हमें किसी भी मुश्किल का सामना करना पड़े। बस एक बार हम यहाँ से निकल जाएं, फिर मैं सकलैन से खुला का केस फाइल कर दूंगी और उसको देनी होगी। और वैसे भी वो इतनी प्रॉब्लम्स में गिरा हुआ है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, ये तो है, तुम फिक्र नहीं करो, सकलैन को कुछ भी पता नहीं चलेगा। और वैसे भी जब तक हम ये शहर छोड़ चुके हो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि घर की पेमेंट का क्या बना? पेमेंट कल तक मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तुम्हारे अकाउंट में? मेरा मतलब है कि कैश लेना था ना उनसे। इतनी बड़ी पेमेंट कोई कैश में देता नहीं है फारिया, और वैसे भी तुम्हारा कौन सा अकाउंट है और जो है तुम उसे कहाँ इस्तेमाल करती हो? ओह हाँ, वो अकाउंट मेरा सकलैन के साथ जॉइंट था ना। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं और तुम तो एक ही हैं। हम एक भी हैं और साथ साथ भी हैं। मैं ये पैक रख गया। क्यों ना करूं मैं आपकी इतनी फिक्र, आपके अलावा इस दुनिया में मेरा है कौन? ये कैसे हो सकता है? फारिया मुझे धोखा कैसे दे सकती है? है तो उसे मोहब्बत। किसको से बात करूं मैं फराज? यासर के इतनी बड़े बड़े डिमांड्स, गाड़ी कैसे देंगे हम दहेज़?
वो दोनों मां बेटी मुझे धोखा देके निकल गई। जान से मार दूंगा मैं उसे, जमीन के जिस कोने में होंगी ढूंढ कर जान से मार दूंगा उसे। तबीयत है कि संभल ही नहीं रही। तो फराज की परेशानी, सोच सोच कर खौफ आ रहा है कि वो कमबख्त सकले मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचाते। दूसरी तरफ माहिर ने मुसीबत में डाला, खुद को सजा दे रहा है, जैसे रमशा की शादी उसकी वजह से टूट गई। अरे बेवकूफ, ये क्यों भूल रहा है कि उसकी वजह से तुमने कम तकलीफें उठाई है। थाने कचहरी से लेकर यूनिवर्सिटी से निकाला गया, आज गया तो रहा है कि इसकी पढ़ाई पूरी हो जाए तो कहीं अच्छी सी नौकरी लगवा दो। किस स्कूल से बात करूं मैं फराज से, यासिर की इतनी बड़े बड़े डिमांड्स, गाड़ी कैसे देंगे हम दहेज। शानबा यार किस भंवर में फंस गए, नहीं आ रहे इंद्र। अरे कागजात ही पढ़ते रहोगे या बताओगे भी कुछ? कुछ हो सकता है कि नहीं? नो सर। जो उसी वक्त समझ आना चाहिए था जब उसकी मां ने हक महर में वो घर अपने नाम लिखवाया था उससे। कुछ कुछ वही किया उन दोनों ने आपके साथ जो आपने अपने ससुराल, मेरा मतलब है कि इतनी जरूरत? वो दोनों मां बेटी मुझे धोखा देके निकल गई। जान से मार दूंगा मैं उसे, जमीन के जिस कोने में होंगी ढूंढ कर जान से मार दूंगा उसे। मिस्टर सकलेन। जी फरमाइए। आपको अरेस्ट करने आए। लेकिन क्यों, क्या कसूर है? आपने अपनी सास से धोखे से प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवाकर और इन्हें मारने की कोशिश की, और अब अपनी बीवी और उनकी बहनों को तशद्दुद का निशाना बनाकर उनको घर से निकालना चाहते हो। आपकी वाइफ और उनकी बहनों ने ये रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अब आपको चलना होगा हमारे साथ पुलिस स्टेशन। ऑफिसर, वैसे तो वो औरतें झूठ बोल रही, अगर मैं फिर भी आपके साथ चलता हूँ, तुम जितनी जल्दी हो सके मेरी जमानत करवाओ, हरन माँ बेटी को ढूंढो, मुझे बदौलत किसी भी सूरत में चाहिए। ओके सर, चलिए।
बात कर रहे हो? ये घर आपका कैसे हो सकता है? ये घर मेरी अम्मी का, हम तीनों बहनों का है, हमारी मलकियत है ये घर। मेरे अलावा और किसी की मलकियत नहीं है ये घर। और अगर यकीन नहीं आ रहा तो ये कागजात देख, देखो उसको, मारा नहीं, ये घर मेरे नाम रखा था। अब ठीक है? हाँ ठीक हूँ। अगर अब ठीक नहीं है तो मैं रानू रापी से कहती हूँ कि वो आपको हॉस्पिटल ले जाए। नहीं मैं ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। आप इधर आए, इधर बैठे प्लीज। अच्छा छोड़ें आप ये, थोड़ा सा खा लें। अभी कुछ खाने पीने को दिल नहीं चाह रहा, बाद में खा लूंगी। आपको अपना ना ख्याल रखना होगा, प्लीज थोड़ा सा खा लें। तुम्हें भी अपना ख्याल रखना होगा। देखो कैसे रंग पीना पड़ गया तुम्हारा। अब हम लेट रहेंगे। कहते हैं रोने से इंसान के इरादे कमजोर हो जाते हैं। हम नहीं रोएंगे। That one. अपने रोए गए हम बाहर। भूख लगी होगी ना आपको, थोड़ा सा खा लें। भूख लगी है ना आपको? चलो उठो अपने घर।
वो मुझे नहीं जाने देगा यहाँ से। वो तुम्हें नहीं रोक सकता, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी। चलो खत्म करो ये रिश्ते, अभी के अभी इसको अपनी जिंदगी से आजाद करो। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। इतने दिन हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि रमशा के पास उसका फोन ही ना हो। किस तरह मैं उससे माफी मांगूं, कैसे एतराफ करूं इसके सामने अपने गुनाहों का। मैं ही तो हूं इस सब का सबसे बड़ा खुशगवार। चैन दिल का मेरे साथ वो ले गया, तूने सोचा नहीं अब हम करेंगे क्या। दिल तो फराज, आप यासिर की कौन सी बात को लेकर अपसेट हैं? गलती मेरी है, मुझे उनके बारे में बात करनी नहीं चाहिए थी। आप यासिर की वजह से मेरे सामने शर्मिंदा हो रही हैं। उसकी मेंटालिटी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और वैसे भी मुझे से अहमक से इस तरह की अहमकाना बात ही एक्सपेक्ट की जा सकती है। अगर मैं चाहता तो उसका गुरूर उसी वक्त मलिया मेट कर सकता था, लेकिन फिर उसमें और मुझमें क्या फर्क रह जाता। देखिए आप, उसकी तालीम अगर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी तो मैं और आप क्या बदल सकते हैं उसमें। ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं एक बात सोच रही हूँ। कुछ दिनों में मैं जॉब से रिजाइन देने वाली हूँ, उसके बाद आप उसे कैसे हैंडल करेंगे? बल्कि नासिर तो उसकी अभी से कंप्लेन कर रहा था। देखिए, अगर आपकी जगह मैं होता तो नासिर से साफ साफ कह देता कि यासिर की कोई कंप्लेन मेरे पास ना लेकर आए, बल्कि सीधा मैनेजमेंट के पास लेकर जाए। आप शायद भूल रहे हैं कि हमारा यासिर से रिश्ता क्या है। उस रिश्ते की वजह से तो मजबूर हूँ। खैर, उस वक्त ही देखेंगे। इस वक्त आपको इम्पोर्टेंट मसले के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। इस वक्त तो सबसे अहम बात यह है कि
सकलैन भाई को किसी भी हालत में बेल नहीं मिलनी चाहिए। नहीं मिलेगी उसे बेल, आप तसल्ली रखें। और ये केस अब कोर्ट में जरूर जाएगा, बचेगा नहीं इंशाल्लाह। मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाऊं? जरूर, थैंक यू। अजीब गामड़ा, किसने वकील बना दिया तुम्हें? एक छोटा सा केस हैंडल नहीं हो रहा तुमसे? ये केस अब मामूली नहीं रहा सर, आप इसे इजी ले रहे हैं। मानूर ने किस किस को इन्वॉल्व कर लिया इसमें? बड़ा तगड़ा वकील है उसका, तगड़ा, वरना कब की जमानत करवा चुका होता मैं। अब्बा से बात करो ना, उससे जाके बात करो, उससे कहो मुझसे एक बार मिलने, मैं वो घर भी उसके नाम कर दूंगा, फारिया को भी तलाक दे दूंगा, मगर एक बार मुझे माफ कर दे। सर आपके कहने से पहले मैं जा चुका हूँ उनके घर पे, धक्के देके निकाले उन्होंने मुझे घर से और कहा है कि उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अरे तो तुम किस मर्ज की दवा हो, तुम क्या कर रहे हो, कब तक सड़ता रहूंगा मैं यहाँ पे? देखे दो चार दिन में ये लोग आपको जेल शिफ्ट कर देंगे, फिर मैं कुछ करता हूँ, आप परेशान ना हो। उस फारिया को भी ढूंढो, कहीं से भी उसको ढूंढ कर मेरे पास लेकर आओ। जी जी। मुझ पे चिल रहा है खामखा, अपनी हरकतें नहीं देख रहा, पकड़ा तो जाना ही था एक दिन,